क्या टर्मिनेशन लेटर के बाद एक्सपीरियंस लेटर कंपनी देती है? इनकेस अगर किसी का किसी कंपनी से टर्मिनेशन होता है, यानी कि अगर वो बंदा फायर्ड होता है उस कंपनी से, तो क्या कंपनी एक्सपीरियंस लेटर बना के देती है? बेसिकली उसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपके पास ये कन्फ्यूजन या डाउट है तो जरूर इसको लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपको अपना आई टी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कंपनीज़ के बारे में कि अगर वो टर्मिनेट करती हैं तो एक्सपीरियंस लेटर देती भी हैं और नहीं भी देती हैं। ये दो कंडीशन बनती हैं। इसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर आप कंपनी में रह के किसी से मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव करके आपने पता चले 2-4-5 लाख की वहाँ पे चोरी कर लिया, आपने लैपटॉप टैबलेट तोड़ दिए, या वहाँ का जो MD है उसको गाली दे दी, या वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब किसी भी तरीके का अगर वहाँ पे आपका गंदा बिहेवियर रहा तो कंपनी आपका एक्सपीरियंस लेटर रोक सकती है। एंड दोस्तों जो सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है कि अगर आप किसी कंपनी में और वहाँ से फिर अगर टर्मिनेशन लेटर मिलता तो वहाँ पर होता क्या कि अगर वो कंपनी जैसे कि कहीं होते हैं 50-60 एम्प्लॉय हैं, 100-150 एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका बिजनेस कम ज़्यादा होता रहता है। लाइक उनका टर्नओवर 1 करोड़ था, इस बार उनका 50 लाख रह गया, तो वो क्या करती है फिर एम्प्लॉय को निकालती हैं। निकालना इन द सेंस कि वो ये बोलती हैं कि आप कहीं दूसरी जगह जॉब सर्च करने लग जाओ या किसी भी तरीके, या मतलब अगर नहीं सर्च करते हो तो फिर वो टर्मिनेट करती हैं बंदों को ना। तो जब टर्मिनेट वो करती हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ और नहीं पता चले आप गाली देकर फिर बोल रहे हो एक्सपीरियंस लेटर, मैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस कंडीशन की बात कर रहा। तो फिर कंपनी क्या करती है टर्मिनेशन लेटर के बाद आपका जितना भी एक्सपीरियंस लेटर है वो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे देती है, ये फैक्ट है। बट आपको आप वहां पे कोई बड़ा कांड करके ना निकले हो किसी भी कंपनी से, अगर वो कुछ ऐसी चीज है आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप काम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में कंपनी एक्सपीरियंस लेटर दे देती है। बट हाँ दोस्तों, लेकिन वहां पे उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है लाइक किसी कंपनी में 6 मंथ का मोस्टली होता है, क्योंकि 6 महीने के पहले जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है एक्चुअली वो काउंटेबल नहीं होता है, मतलब कंपनी उसको मानती नहीं है कि 6 महीने आपने जॉब भी करा या नहीं करा। तो लगभग लगभग हर एक कंपनी का 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अराउंड 9 मंथ का होता है, तो मतलब वो बढ़ा देते हैं, बाकी वो डिपेंड करता है कंपनी पे। तो जो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड अगर आपका वो कंप्लीट हो गया है तभी आप एक्सपीरियंस लेटर लोगे। अगर 2-3-4 महीने 5 महीने हुए हैं तो शायद एक्सपीरियंस लेटर लोगे भी नहीं, और जहां तक मेरा आइडिया है कि उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है अगर 3-4-5 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास है, क्योंकि तो आप किसी नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी फिर एक्सपीरियंस वो 3-4 महीने का काउंट ही नहीं करती, क्योंकि कम से कम 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी नेक्स्ट कंपनी में स्विच करने के लिए। अगर आप किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो तो अगर ज़्यादा वर्क प्रेशर है या सैलरी कम है तो किसी भी तरीके वहाँ पर 6 महीने 7 महीने 8 महीने झेल लो, उसके बाद वहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, इसके बाद आप जॉब स्विच कर दो और इधर उधर देखो। एंड दोस्तों मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि आपका कहीं टर्मिनेशन हो जाता है या टर्मिनेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो या तो उसके पहले जॉब देखना शुरू कर दो, जब आपको लग रहा है कि नहीं कंपनी को मेरी नीड नहीं है तो फिर आप उसके पहले जॉब सर्च करना शुरू कर दो तो वो नौबत ही ना आए। एंड दोस्तों अगर आपके पास टर्मिनेशन हो भी गया है तो उस टर्मिनेशन लेटर में या तो फिर आप एक्सपीरियंस लेटर बनवाओ या तो फिर उस टर्मिनेशन लेटर को हाइड करके आप कहीं जॉब सर्च करो, बट ये सोच के मत बैठो कि यार मुझे टर्मिनेशन मिल गया तो कहीं जॉब नहीं मिलेगी, कंपनी बहुत है, जॉब्स बहुत हैं, बस आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट पढ़ाई वढ़ाई होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, बट ये सोच के मत बैठो कि जॉब नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, सफलता मिले ना मिले ये तो हालातों की बात है, अगर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। सो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट से क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।